हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जो ब्लॉग बनाने वाली हूँ वो है थोड़ा सा डिफरेंट। इट्स ऑन द फॉल कलर, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर्स, द कलर ऑफ द ऑटम इन वाशिंगटन। तो मैं आज बस अपना नेबरहुड का ही कुछ पिक्चर्स शेयर करूँगी जो कि फॉल कलर के लिए बहुत ही फेमस है। इधर फॉल मतलब पत्ते झड़ने का जो मौसम है, लेकिन वो झड़ने से पहले बहुत अच्छे कलर लेती है, जो कि इधर मतलब बहुत ही अच्छा लगता है वो कलर चेंजिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो रोड है ये मेरे घर के सामने का ही रोड है। मैं सोचा थोड़ा वॉक करके मैं हर रोज़ ही वॉक करने निकलती हूँ, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फॉल कलर, मेनली दिस रेड कलर, इट्स लाइक ऑसम। तो मुझे लगा मैं थोड़ा ये शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आप देख पा रहे हो कि तीन ट्री जो है पूरा रेड हो चुका है, लेकिन बाकी का जो है वो अभी भी ग्रीन है। तो थोड़ा थोड़ा करके रेड हो रहा है। तो ऐसा ही होता है, सारे के सारे मतलब ट्री एक साथ रेड नहीं होता है। आधा जैसे कि रेड हो चुका है उसका पत्ते, अभी आधा बाकी है। वो धीरे धीरे टाइम विद द टाइम इट विल आल्सो चेंज इट्स कलर। तो ये जो है ये है टैम्बर क्रीक जो कि मैं हमेशा आती हूँ। और ये और एक दूसरा रोड है, मतलब मेरे घर के लेफ्ट साइड पे ये रोड है। इस दिन मैं अर्जित को अपने साथ लेके गई थी फॉल कलर दिखाने के लिए। कितना अच्छा कलर दिख रहा है देखिए। ये बुशेस का भी कलर चेंज हो गया है, ये भी रेड हो चुका है। ये सब कुछ ग्रीन है, एक्चुअली ग्रीन रहता है। ये देखिए ये वाला थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है ग्रीन से। और ये वाला जो है वो है एवरग्रीन ट्री, क्योंकि हमेशा ऐसा ही रहते हैं। तो मैं अर्दित को वो बिजी वाला रोड क्रॉस करके फिर मैं दूसरी साइड आ गई उसको लेके। इधर बहुत अच्छे, मैं बहुत दिन से देख रही थी, पीपल आके पिक्चर ले रहे थे, मतलब बहुत ही अच्छे इधर का। सो मिक्स एंड मैच होके ये और भी सुंदर लग रहा है। So let's start. इधर से ही दूसरे का जो वो एक रेड मतलब लाइट टाइप से दूर से ही दिख रहा है, बहुत ही सुंदर था ये। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरा मूवी की तरह लग रही है इधर। वाओ, लुक एट द रेड कलर। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि ट्री का पिक्चर लूँ या जो भी नीचे का है उसका वीडियो लूँ। नीचे जो पत्ते झड़ के पड़े हुए थे राइट, वो भी बहुत सुंदर लग रहा था तब। लग रहा है कि कोई मतलब फ्लावर बिछा के देते हैं राइट, कोई कोई जैसे कि मूवी में रहता है, पूरा एकदम ऐसा लग रहा था ये। Saying it's not time to take video, mama. It's not time to take video.
तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों का घूमना हो गया, थोड़ा सा डर भी हो गया है बाहर, लेकिन ये मतलब रेड ग्लो की ग्लो के लिए लग रहा है कि अभी उतना डार्क नहीं हुआ है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा अंधेरा हो गया था। थोड़ा हम दोनों ही आए थे वॉक करते हुए, तो अकेले, तो इसीलिए मैं सोचा उसको लेके मैं घर जाती हूँ, नहीं तो लेट। और बहुत ठंडा है अभी, मतलब इस दिन तो शायद अराउंड -1 के करीब था, तो मैं सोचा नहीं बहुत लेट हो गया। तो ये देखिए ये पत्ते, हम लोग दोनों ऐसे ही खेल, उसको ऐसे ही खेलना था उधर, तो रास्ते पे जो पड़ा हुआ था मैं सोचा उधर ही कर लेती हूँ, उसको ये सब पसंद है। ये हम लोगों का फायर स्टेशन, तो हम लोग अभी घर के सामने पहुँच ही गए हैं। तो रेलवे क्रॉस, नॉट रेलवे, तो क्रॉस करने के लिए क्रॉसिंग पे खड़े थे। तो देखिए ये वाला फायर स्टेशन के पास जो ट्री है, ये सारे के सारे मैपल ट्री है। एक्चुअली मैपल ट्री अपना कलर हमेशा चेंज करता है, लीफ का, दूसरे ट्री भी करते हैं, लेकिन इसका जो ब्राइट कलर रहता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये किसी और दिन का था, जो कि मैं, होता है ना, रास्ते क्रॉस करने के टाइम मैं क्लिक की थी। तो ये रही मेरे घर के सामने, मुझे लगा सब कुछ मैं दिखा दिया, मैं अपना घर के सामने का जो ट्री है उसका भी कलर दिखा दूँ थोड़ा। ये देखिए ये ऑलरेडी येलो हो चुका है, और ये आधा ग्रीन आधा येलो टाइप सा होके रह गया है। तो मेरा घर तो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो ये रही मेरा कम्युनिटी, उधर भी थोड़ा थोड़ा जो भी है कलर चेंज हो रहा है, और बहुत सारे हैलोवीन का डेकोरेशन भी है। तो मैं शायद एक नेक्स्ट ब्लॉग में आई ट्रिक और ट्रीट के दिन, और मैं दिखाऊंगी मेरे कम्युनिटी में भी हैलोवीन का जो डेकोरेशन होता है। ये रही जैक ओ लैंटर्न का पम्पकिन जो हम लोग कार्विंग कर चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई हैव कम होम एक्चुअली। सो अर्दित अंदर स्टोरी बुक पढ़ रहा था, उसको नहीं जाना था। ये देखिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एंड माई ब्लॉग हियर टुडे। इफ यू लाइक प्लीज़ subscribe my channel and press the like button. Thank you. Bye.